सो गाइस, एक और मंदिर है, ये महाकाली मंदिर शिकोवाल। ये हेमू भाई मंदिर के दर्शन करते हुए, तो दिखाओ हेमू भाई। तो हेमू भाई आज दिखाएंगे मंदिर के बारे में, बताएंगे। तो बताइए, फर्स्ट बार आऊँ? नहीं, फर्स्ट बार ही आ रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस, ये महाकाली का मंदिर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, काली माता का मंदिर। जय महाकाली, भद्रकाली। तो गाइस, ये यहाँ पे मंदिर है सीखों में, जय महाभद्रकाली का। और एक यहाँ से एक राउंड मारते हैं, चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे पानी रखा है कि पीने का हो गए किसी से पूछते यार, प्यास लग रही। तो गाइस, अभी हमने नीचे से पंद्रह से पानी पिया था, पर इतनी धूप हो रही है तो प्यास लगी। पंडित जी, पंडित जी को आवाज मार रहे हैं। पंडित जी, ये रे पंडित जी। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। पंडित जी नमस्कार, ये पानी पीने का होगा? आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये। हाँ, ये है सोलर, सोलर पैनल लगे हुए हैं। लाइट सप्लाई हो रही है यहीं से, यहाँ के आसपास के गांव में सारी लाइटें सप्लाई होती हैं। इधर जंगल की आवाज़ कैसे आ रही है? ये पक्षियों की आवाज़ जंगल में, अगर आपको सुनाई आ रही होगी तो देखें। तो गाइस, ये काफल खा जाए, फल खाते हैं काफल। और दूसरे आ गए ये रंग बिरंगी काफल लगाए। और मामा जी अपन याद हुए पेड़ों पे चढ़ के। एकदम लाल काफल दिखाओ भाई, ये देखो भाई, एकदम लाल काफल। उंगली का चोर में तो मिठाई लाल वाले। तो घंडियाल गांव में गाइस, यहां पे ये बहुत पुरानी दुकान है हमारी। अच्छा गाइस, बहुत पुरानी दुकान है दुकान। और ये तकरीबन 50 साल पुरानी दुकान, 50 से भी ज्यादा हो गई, 50 से भी ज्यादा हो गई इस दुकान को। ये घंडियाल गांव है, और ये जो गांव का नाम पड़ा है घंडियाल, वो इस वजह से पड़ा है, गाड़ी वाले भैया बहुत नाराज हैं। वो जो घंडियाल गांव का जो नाम पड़ा है, एक देवता है जिनका मंदिर है, अभी दिखाते हैं। घंडियाल देवता, उनकी पूजा और बहुत ज्यादा मान्यता है इधर। उनके अभी हम मंदिर जा रहे हैं गाइस। हाँ, तो आइए आपको मंदिर दिखाते हैं घंडियाल देवता। घंडियाल देवता से कराते हैं आपको रूबरू, चलिए मिलाते हैं। देखें गाइस, ये रहा घंडियाल देवता का मंदिर, और हिमू हेम्पा भाई हमारे जाते हुए। जय इष्ट देवता। पेड़ देखें गाइस आप, कितने अच्छे हैं पेड़। ये पीपल का पेड़ हुआ नहीं है? नहीं है, पीपल का वाला तो पीपल का है ना, पत्ते देख इसके। हाँ, हो सकता है पीपल के पेड़। हाँ, देखे गाइस, ये देखो, ये देखता है पर विराजमान है। तो गाइस, ये हमारे यहाँ के डॉगी देख सकते हो आप, कुकुर कहते हैं जिन्हें, इन्हें कहते हैं कुकुर, डॉगी को कुकुर कहते हैं।
डॉगी को हमारे कहते हैं कुकुर, और इनको कहते हैं हमारे गढ़वाली कुत्तों को कहते हैं भोटिया कुत्ता। भोटिया कुत्ता जो है भोटिया कुकुर होते हैं, भोटिया कुकुर। ये बाघ तक को भगा देते हैं, गांव से बाघ भालू वालू आ जाए ना उनको भी भगा देते हैं। और देख ही रहे थे आप कितना बड़ा कुत्ता था वो भाई साहब, एकदम भालू जैसा ही था वो पूरा। तो अब हम गाइस निकल चुके हैं घड़ियाल देवता के यहाँ से, अब एक नई चीज और दिखाएंगे यहाँ की, अभी वो सरप्राइज है, मामा ने बताएंगे, वो मामा बहुत जलेबी की बड़ी फेमस बता दे मामा जी, आइए इसे एक्सप्लोर करते हैं। नमस्कार जी, और जी नमस्कार, जलेबी बहुत सुनी है आपकी, नाम बताएं अपना, कहाँ से आ रहे हैं भैया आप, नाम बता दो। देहरादून से। देहरादून से आ रहे हैं भैया आप, प्रधान जी है यहाँ के, ये प्रधान जी है। प्रधान जी अपना स्वयं का परिचय दो हमारे YouTube फैमिली को। हमारी ग्राम सभा भैसोड़ा घनियाल के नाम से जानी जाती है, मैं यहाँ पे ग्राम प्रधान जयकृत सिंह नेगी, ग्राम सभा भैसोड़ा। तो गाइस अब आपको मिलाते हैं जलेबी वाले जी, भाई साहब से। तो अंकल कब से आपकी दुकान यहाँ पे, कितने साल हो गए जलेबी देखिए गाइस, तो गाइस 80-85 साल हो चुके हैं, दादा परदादा पीढ़ी चलती आ रही है, दो जनरेशन देख सकते हैं गाइस, ऐसे यहाँ पे अंगीठी में ऐसे बनते जलेबी, और ये जलेबी देख सकते हैं रसीली रसीली जलेबी, खा के देखते हैं टेस्ट बताएंगे आपको। और ये अंदर ये अपने सुमित भाई, तो गाइस कहते हैं कि दुकान जितनी पुरानी होती है स्वाद उतना नया होता है, अच्छा होता है। तो देखते हैं सर, आप जलेबी खिलाएंगे हमें एक प्लेट, तो गाइस मिलते हैं आपसे जलेबी खाते हुए। अभी हिमू भाई ने ले ली जलेबी, ऐसे कागज यहाँ पर जलेबी गरम गरम हो रही है, थोड़ा नीचे रखते हैं यहाँ पे और टेस्ट करके, और टेस्ट करके बताते हैं आपको। लो भाई ऊपर कर दिया, पूरा ऊपर है, गर्म हो रही है बहुत ज्यादा, अब बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, अभी तो डाइटिंग पे चल रहा था मैं वैसे, अभी चीट डे, चीट डे भी करता है कई बार, पूरे साल भर बजे निकल जाता है, पूरे साल भर गाइस काफी रसीली है और क्रंची भी काफी है, जो हमें चाहिए होता है ना, क्रंची क्रिस्पी, हाँ क्रिस्पी और क्रंची है और टेस्ट भी है। सो गाइस फाइनली जलेबी भी खा ली और घड़ियाल देवता जी के दर्शन भी हो गए हैं, और मामा जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई, हमने एक्सप्लोर करी, और अब हम ले रहे हैं विदा मामा जी से, कल मुलाकात होगी मामा जी पौड़ी गढ़वाल में। चले मामा जी अच्छा सफर रहा आपके साथ, मिलते हैं, जय हिंद जय हिंद जय भारत, चलो मामा, चलो मामा जी बाय टेक केयर। और पौड़ी के लिए गाड़ी मिल गई है, कैसा लग रहा है, देखते हैं होटल वगैरह करते हैं, चलो उसके बाद घूमने खाने निकलेंगे, तो आपको दिखाएंगे और जरूर जरूर दिखाएंगे और आगे मस्ती करेंगे। अभी गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर गाड़ी नहीं मिलती तो हमें यहाँ से काफी गाड़ी में बैठे, इसलिए गाड़ी ज्यादा हिल रही, राउंड ज्यादा है, टेंशन करते पौड़ी में चलते, सो फाइनली पौड़ी तक तो हम पहुँच जाएंगे, रूम वूम देख लेते हैं, स्टे करेंगे पहले, सामान वगैरह रखकर, बैग वगैरह रखकर अपने, फिर हम एक और जर्नी स्टार्ट करेंगे वहाँ से, तो बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं पौड़ी, एक छोटा सा सफ़र तय करने में 40 से 45 मिनट का वक्त लगा, और अभी आगे देखते हैं, ये वही जगह जहाँ पर हम गांव जाने के लिए गाड़ी पर गए थे, तो और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, कुछ मिलता है वैसे तो यहाँ पर बता ही दिया था हमने आपको पौड़ी, लेट्स सी आए क्या होता है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं श्रीनगर, और ये देख सकते हैं अब यहाँ पे बस खड़ी है धारी देवी की, हम पौड़ी से आए थे यहाँ पे श्रीनगर, श्रीनगर से हमारा फेयर लगा था 60-60 रुपये दो जनों का, दो पर्सन का 60 रुपये, और गाड़ी का भी इतना ही है ना, 50-60 रुपये 80 रुपये ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 50 रुपये बोला था गाड़ी का, 60 रुपये बस का लगा हमारा किराया। और ये बस है अभी यहाँ से जो श्रीनगर से धारी देवी जाएगी, अब देखते हैं यहाँ से बस में बैठते हुए, यहाँ पर खड़े होकर जाना पड़ेगा, इस वाली बस में भी फुल हो रखी है, और इसके बाद जो भी बस आएंगे वो सब फुल आ रही है, तो हमें यहाँ से खड़े होके जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं गाइस अभी थोड़ी देर में आपसे, अभी यहाँ पे खड़े हैं पानी वानी पी रहे हैं, क्योंकि हमने पानी वानी वहाँ पिया नहीं था, यहाँ से पानी वानी पी के आगे मिलते हैं आपको धारी देवी में।
Yeah.